हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो भाई स्वागत है रिंजाठी के व्लॉग में। सुबह मॉर्निंग में बज रहे हैं 5:30। चाय बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि आज ये जा रहे हैं दिल्ली कार्ड बांटने। शादी है फैमिली में। जो भी पराठा रह गया, गैस ख़त्म, बंद हो गया, सिलेंडर बदलेंगे जब जाकर बनेगा पराठा। आधा काम रह गया, चाय तो बनाने लग रही है। चाय के पास खड़ा हो जा रहा अदरक गैरिस में। ऐसे ही तो टूटेंगे, मार दूंगी गणी। लिक्विड भी गई चाय। यू कहा था ना, यहाँ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। पापा ले आ रहे सिलेंडर। चप्पल किधर है? एक डंडा दे दो आज, इसकी खाल तार दूं मैं कुत्ते की। तो जी अक्षित के ऊपर चिल्लाना पड़ता है। सुबह सुबह बिना चप्पल के घूम रहा था, ना सॉक्स पहन रखी, तो इसको मैंने इतनी बार बोला चप्पल पहन लिया कर। तो भाई मेथी के पराठे बना रही थी, बीच में ही जो है गैस ख़त्म होगी, सिलेंडर चेंज करेंगे। तेरी चप्पल, मेरी चप्पल अंदर, यहीं दर्द है। किसके लिए बनाऊँ? मोहन की भाभी बनाऊँगी। ओ सेंडर खायो महाराज का। अरे मेरे हाथ अंदर रह गए। ओ जान दे गंदे, गैस लीक हो है। दो दे पीछे का पता नहीं देख। क्यों क्या अगर ज्यादा बड़ा बनाते तो क्या होता है? नमक डल रहा है इसमें, और क्या, ये बिल नहीं रहा ज्यादा। मैं बिल दूं? वो इसमें अलमारी में खैर क्यों मारा कर उठते है? कहाँ कहर कर रहा है? क्या कहर हुआ था रात? सुबह कहीं बाहर जाना है? फिर सुबह निकलते निकलते 6 बजा दिए, लेट हो गए। क्यों, दूध दाध काढ़ना पड़ेगा आधी भैंस का, और फिर चाय चुए पी तो लेट हो ही गए। वैसे तो सब उठ गए थे, बच्चे वगैरह सब उठ गए थे कि पापा जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे खाए, और क्या। इधर कोने में नैना सुखा देगी इसको। लो भी पेपर की तैयारी कर रहा है छोरा। रात ये पढ़ गए, और 15 मिनट मैथ की प्रैक्टिस कर ले। बस 10 मिनट दूंगी नहाने के लिए, ठीक है? फटाफट से, फटाफट से इसको लर्न कर ले, ठीक है? अरे कल ली थी रात को, कल भी मैम ने रिविजन करवाई थी स्कूल में। कोई बात नहीं। तो अभी मोहन का खाना लग गया है, बाहर डॉक्टर आ रहा है अभी। मोहन डॉक्टर को भैंस की तबीयत सी खराब हो रही है दिखा रहा है। आटा उट्टा करके धर दिया, दही जमाई थी सुबह, बथुए का रायता बनाऊंगी, उबाल के धर रखा बथुआ। दोपहर में अक्षित ने और मन ने बहुत पसंद है बथुए का रायता। फ्रेंड बताने क्यों गया, और चारों चार खा लिया, क्या दाना हो गया, नींद हो गई, मतलब अभी सोऊंगी मैं। और फिर से मोहन के खाना बनाने के लिए उठी थी, और हस्बैंड जी गए हैं दिल्ली। हस्बैंड जी गए दिल्ली क्योंकि कार्ड बांट रहे हैं। 15 तारीख की शादी है, 14-15 की हमारी फैमिली में, मेरे जेठ के लड़के की। और घर देखो कैसे फैला पड़ा। प्रेस के कपड़े हम सुबह बांध रहे थे, तो थोड़े से रह गए, मखाले बांध लेंगे। नैना आवेगी, नैना ने धोखा दे दिया आज। पहले सोचा था कि जिस टाइम नैना आओगी उस टाइम फटाफट से वो अपना काम करेगी, मैं फटाफट संगवा लूँगी। थोड़ा मन सा भी लगा रहता है कोई साथ में काम कर रहा है। तो थक गई थी मैं काफ़ी, सुबह जल्दी उठी थी, एक ब्लॉग पोस्ट करा था, 2-3 वीडियो करी थी, और काम था, फ़ोन खाली करा, बच्चे स्कूल भेजे, उनकी पढ़ाई देखी, पेपर चल रहे हैं उनके, इसलिए टेस्ट चल रहे हैं। और बिखरा पड़ा पूरा घर, पूरा घर बिखरा पड़ा, मतलब मेरा कमरे की हालत ऐसे हो रही जैसे कबाड़ी खाने वाला नहीं रहता वो पूरे चारों तरफ कबाड़ा फैला के रो, मुझे से सोता है नींद में, ऐसा ही मेरा हाल हो रहा है।
अभी फिलहाल रोटी खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं खा रही हूँ, बस मोहन के लिए बनानी थी मैंने। अक्षित और लेके गए हैं सुबह प्लेन पराठे और चार, साथ में सब्जी ले जाने के लिए मना कर दिया था, गुड़िया तो लेके ही जाती, गुड़िया ले गई थी ब्रेड जैम और खा के गए केक रोटी मक्खन के साथ, और आके खाएंगे जो भी उनकी पसंद का होगा खाना, आ दूँगा अभी आटे के हो रहे हैं, जो भी उनकी पसंद का होगा, बथवे का रायता बनाऊंगी और गुड़िया के लिए जो कहेगी या तो मक्खन रोटी खाएगी, सब्जी कोई खाती नहीं है ज़्यादातर, कुछ भी नहीं, उसके लिए वैरायटी बनती है पसंद की, कढ़ी चावल दाल चावल कल बनाए थे हमने दाल चावल तो, और आलू की सब्जी पूरी छोले भटूरे वो चीज़ें खाती है, सिंपल खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, तो या तो दो तीन आलू उबाल दूँगी, आलू के पराठे बना दूँगी, जो कहेगी वो बना दूँगी उसका। तो पहले आज मतलब ये सोऊंगी मैं, उन्हें खाना खिला दूँ, डॉक्टर आ रहा अभी एक, खाना खिला के और आज मैं अकेली हूँ तो कोई है नहीं, यूँ कहने वाला यो कर ले वो कर ले, रिलैक्स होकर नींद आओगी बढ़िया मज़ेदार, चाहे रात ने मतलब देर तक काम कर लिया, अगर मैं कुछ काम हो कपड़े धोने का हो कपड़े लगाने का हो या घर संगवाने का हो कुछ भी काम होना तो रात को देर तक काम कर लिया करूँ, ऐसा तो यूँ नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, पर अभी कोई इच्छा नहीं है काम करने की तो, और मतलब ये देखो इतना काम पड़ा होना इंसान को नींद कैसे आ सकती है, मुझे आ रही है मजे से सोऊंगी, इतना रिलैक्स फील होता है, ये लगता है कि पहले काम निपटा के इतना थक के भी नींद नहीं आती थी, गोली खानी पड़ती थी दवाई खा के तब सोती थी, और अब बिना दवाई खाए नींद आ रही है, इतना काम पड़ा है, जब भी माइंड रिलैक्स है ना तो नींद मजे से आएगी। ये देखो स्टडी टेबल पर भी प्रेस के कपड़े फैले, ये फैला वो फैला, दवाई डिब्बे उब्बे इधर चारों तरफ कपड़े कपड़े, क्यों मैंने बताया था कल धोए थे कपड़े प्रेस के बांधने में, ये इनके थे ये स्कूल की थी, कुछ चदरे वदरे धोई थी क्योंकि दो तीन दिन हम दिल्ली गए, उसके पहले के भी कपड़े रखे थे और आने के बाद भी धोए, कल सुखाए, बहुत काम हो गया था। रसोई तो आपने देख ली पड़ी है, नैना आकर साफ करेगी रसोई को, नैना यहाँ के झाड़ू पोछा करेगी, दीदी खाने वाली नहीं आई, नहीं तो सारा काम हो जाता हमारा, पर सोऊंगी 12 बजे उठूंगी, खाना नाश्ता वास्ता कुछ नहीं कर रही अभी तो, मैं दूध गर्म कर दूंगी बस, अभी दूध गर्म करूंगी बाल्टी में छान कर रखूंगी, फिर उठूंगी 12 या 12:30 बजे मजे से उठ के, फिर काम करूंगी, बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, फिर घर संगवाऊंगी, फिर नहीं सोया जाएगा, फिर काम ही काम दिखेगा। फिर हस्बैंड जी भी रात तक आएंगे, पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, उठ के मिलूंगी ना दो के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का लेजी डे है मेरा, बहुत दिन काम करती हूँ, सारा दिन टेंशन रहती है काम की, ये करो वो करो, आज मजे लाइफ, आज सोना, आज हस्बैंड जी नहीं है ना तो कहने वाला नहीं कोई, ये नहीं करा वो नहीं करा, सासू तो उधर गई है बता आपने, वैसे भी मेरी सासू ना कुछ काम करें, पर नींद में मतलब सो के रिलैक्स हो के काम करने में मज़ा। अब ब्रेकफास्ट करूँगी, रोटी खा के तगड़ी सी एक गिलास दूध पी गए, फिर अपने बड़द की तरिया मंडेंगे काम करन। फिर ना बैठा जाओ पूरा दिन, पूरे 12 बजे पूरे 12, बच्चे आऊँगे 3 बजे, एक डेढ़ घंटा जिम का काम करूँगी, दिखाती हूँ आज, बेड वेड पूरे खोलने हमने, बहुत ज़्यादा काम है, देख वैसे डर तो लग रहा है, एक बार फैला लिया ना काम समझ लो रात तक नहीं निपटेगा, रात तक भी। लो जी अपना ब्रेकफास्ट, मक्खन मिर्च का अचार, थोड़ी रोटी कुरकुरी करो जी जल गई, दूध बस, एक रोटी खाऊंगी। आज करूँगी मैं एनर्जी के साथ डांस, मेरा मन कर रहा है डांस करने का, खुद अकेली हूँ ना घर पे तो फुल म्यूज़िक खोल के इसका डांस कर रही थी अभी मस्ती में, क्योंकि कोई है ही नहीं घर पे, तो आज लग रहा है मैं अपने बचपन वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए तो मुझे लग भी नहीं रहा अभी फ़िलहाल, मैं ऐसा फील ही नहीं कर रही हूँ कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा फील कर रही हूँ जैसे मम्मी के घर पे हूँ और मज़े से इंजॉय कर रही हूँ। मैंने ना लाउड म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, और कई बार मतलब अच्छा लगता है तो अकेली होती हूँ तो म्यूज़िक बजाती हूँ सारे गम भूल के एंजॉय कर। लो जना लिए, डांस वांस कर लिया, एंजॉय कर लिया,
अब टाइम भगती का है, इसीलिए मैंने चुन्नी उड़ रखी थी, मंदिर में गई थी, थोड़ी देर बैठी थी। खाना खा लिया, नालिए धोलिए, काम निपटा पड़ा है, काम बहुत पड़ा है, मतलब निपटा ही पड़ा है, मन में ठान लिया तो निपटा ही पड़ा है। के जिंदगी है ना, काम कितना डर है मेरे से पता है, लोग इतने काम को देख के ना, मतलब घर का काम हो तो कितनी चिंता में जाते हैं, और मैं मस्ती में आज इंजॉय करेंगे, काम तो रोज करते हैं। नींद आ गई, मैंने चाय पी के सोऊंगी। कितना मस्त दिन है मेरा आज का पता है, तौली सुखा दूँ धूप में। 1 बज गया, बड़े 3 बजे आवेंगे क्योंकि छुट्टी, सर्दियों का टाइम हो रहा है। चाय बनाऊँ एक बढ़िया सी, चाय पी के सोऊँ 1 घंटा। और फोन आ लिया उनके मेरे पास, और पता क्या बोल रही थी बार बार ना फोन करके, क्या कर रही है, मैंने कहा सो रही हूँ, हाँ बोले तू सो ही रही होगी, आज तो तेरे मजे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई तुझे यूं कहने वाला नहीं, चाय बना के दे दे। मैंने कहा ये मस्ती, तो भाई मुझे भगवान के भजन सुनना भी बहुत पसंद है। मैं से वैसे तो मैं भोले बाबा के ही सुनती हूँ सारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और मैं खुश भी रहती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ, आज मैं अकेली हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। आज पूरी खुश हो रही मैडम, मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ दोबारा। नाली धोली आज नहीं टेंशन लेते किसी भी चीज़ की, क्योंकि हस्बैंड होते ना घर पे कुछ ना कुछ टेंशन देते ही रहते हैं, कभी ये करना है, आज वहाँ जाना, आज यहाँ जाना है, आज कोई कहने वाला ही नहीं है मुझे, कि क्योंकि बच्चे जब आएंगे जब तक रेस्ट करती हूँ मैं, जैसे फिर मुझे काम ही करना है। और मैं इस चीज़ से बहुत बेखबर थी कि आज मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस चीज़ का, तो क्योंकि मेरे को पूजा ने ही बताया था फ़ोन करके शाम को। और ये गुड़िया आ गई अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मां घनी देर होगी इंग्लिश झाड़ रही है। Someone has grown some trees there and it's night and I will not be able to find him, and my father is in Delhi and he will come tomorrow. लो जी अक्षित के लिए और अपने लिए बथुए का रायता बना रही हूँ, मैंने भी बहुत पसंद है, अक्षित ने भी बहुत पसंद है। मैंने इसमें हरी मिर्च भी कूट ली और बथुआ कूट लिया, उबाल रखा था मैंने सुबह ही, रायता खाते रह जाओगे, बढ़िया लगेगा, एक नंबर का खाना लग गया बथुए की। बाहर ना वीडियो बनाने आए थे मैं और गुड़िया, चाय पी रही थी साथ में ही, डेविल ने इतनी बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा, पता है क्या, चप्पल लेके भाग गया और फिर बाद में शैतानी करा, चप्पल भी फाड़ रहा, मेरा फ़ोन भी गिरा दिया एकदम से, जैसे वीडियो बना रहे थे ना तो फ़ोन छीन के ऐसे मुंह मारा और फ़ोन को मुंह में भर के भाग लिया, वो तो बच गया, इसके पीछे भागे नहीं तो फ़ोन का भी चकना चूर कर देता, ये शैतान है बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक। डब्बू आया, डब्बू आया, लियो भी दाल बना दी है, दाल छोंक दी मैंने, थोड़ा सा रायता बनाऊंगी बूंदी का, ये दूध लेके जा वंश, वंश लियो भी देख लो, पूजा ने पूजा आ गया, आज कई दिन में आई है, सूट की वीडियो बनवाऊंगी, सूट आ गया अपने, और इसका अपना चैनल बनाया इसने और मेरे पे वीडियो बनवाओगी, तो क्या हो गया वो ठीक है, सलाद छिल गई सुबह के लिए, मूली का अचार डल के आई हूँ, मूली हमने मतलब छील कर रख दी, ये उबल की मारी, मूली की भुज्जी बनाएगी इसकी, मूली दाल डाल के उबाली है, दाल डाल के काली दाल डाल के पसंद है बहुत ज्यादा, देखो बूंदी का रायता, मस्त बूंदी का रायता, जीरा डाल दूंगी बस इसमें। हाँ जी फ्रेंड्स, खाना तैयार हो गया रात का, पूजा आ गई थी, कई दिन बाद आई पूजा आज, पूजा रजत भी आ गया, बाहर खाना खा रहा रजत भी, तो हमने बनाई दाल रोटी
साथ में बूंदी का रायता, और पूजा ने तो बथुए की चटनी भी ली है, बथुए का रायता भी लिया और साथ में लाल मिर्चों की चटनी मैंने कल बनाई थी। शानू व्लॉगिंग कर रही है आज हमारे। बोल इसको ऐसे बोल, हेलो गाइस, कैसे हो आप? हेलो गाइस, जोर से बोलो हेलो गाइस, कैसे हो? और भी कुछ बोल दे ना, और भी कुछ बोल दे, ऐसे बोल दे आज हम अपनी मौसी के घर आए। आज हम मौसी के घर, फोन से दूर करके करना है इसे। हाँ भाई, पूजा सूट वो करवाने आई, सूट का व्लॉग बनवाने, तो मैंने भी सूट पहन लिया, सूट का व्लॉग बनाओ तो सूट पहन लो, बढ़िया सा सुथरा भी लगेगा, बढ़िया वीडियो में। और जूती देखियो ट्रेड फिर तक आई है, किसा लग गया कलर जूती लिया है, अभी ले वीडियो बना लो पूजा के सूट है। क्या सूट काटे पूजा? ये 12 है बस, 12 और लो भाई काम तो बहुत कर लिया आज मैंने, पूरा दिन काम कराया है, देखा भी होगा आप सभी ने, वीडियो बनाई है, खाया पिया सो भी, जो बहुत बड़ा काम था। तो हस्बैंड जी आएंगे रात को लेट, क्योंकि अभी तक तो कार्ड भी नहीं बटे हैं, क्या टाइम हो गया, 9 बज गए और 10-11 बजे तक लास्ट कार्ड कूड बांटेंगे, फिर खाना खा कर फिर निकलेंगे दिल्ली से, मान लो 2-3 बज जाएंगे सुबह के। मैं कह रही थी कि सुबह आ जाइए, पर बोले ना रात नहीं निकलूँगा, तो देखो अभी फोन पर बात होगी, क्या बताऊंगे क्या नहीं। तो मी पेन प्रेस खुद कर ले, प्रेस था यहाँ से चल। लो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और आज हनुमान जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हुई तो 1 मिलियन हो जाएंगे। टीवी में चला रहे हैं, इसमें चल ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हो गया, स्क्रीन चल ही नहीं रही है। 1 मिलियन होने वाले हैं और 1 घंटे में, 11 बज गए और आधी रीत भी आ गई। रीत यारी, रीत को भूख लगी है, ब्रेड खा रही है। आदि भी आ गया है, मम्मी पापा भी आ गए, मम्मी पापा को बुलाया स्पेशल, फोन कर कर के आ नहीं रहे थे, बोल रहे थे सर्दी हो रही है, हम नहीं आ रहे। मम्मी ने दिया से लेकिन अभी मेरी क्या गलती, बस मैं बार-बार मेरी मोड को भी छेड़ रहा था जी, नहीं चल रहा यार वो रील मेरे, आज किस्मत खराब है, कल देखो ऐसा टीवी को तो मैं ना फोड़ दिया कल धर के जाए। लो जी पापा मम्मी आराम कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे थे, मैंने पापा जी के लिए चाय भी बना दी थी, मम्मी ने कुछ नहीं लिया। और आधी रीत मेरे सगे जेठ के बच्चे हैं, बड़े जो हैं मेरे हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड जो हैं बीच वाले हैं, 3 भाई हैं ये, बहन एक भी नहीं है सगी जो है, 3 भाई भाई हैं। छोटा देवर जो है मेरा दिल्ली रहता है, तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा वो दिल्ली गए थे, वो मेरा सगा देवर है। और रजत जो है जिसका पूजा ब्याह रखी वो मेरे पितसरे का लड़का है। तो पापा जी हो रहे हैं यहाँ पर रेडी, भाई सब अपने अलग अलग रहते हैं, तो अपने अपने अलग अलग सबके घर है। तो बच्चों को मैंने बुला लिया था अपने जेठ के, और खुश भी होते हैं बच्चे, पापा जी पूरा खिंडका बांध कर तैयार हो रहे थे। तो आज की मतलब ये खुशी ना 1 मिलियन की इतनी नहीं है जितनी की पापा जी साथ खड़े हैं आज, पापा जी हमारे साथ आज वीडियो में आएंगे खुशी से। और मुझे बहुत मतलब जब मैं पापा जी अंदर एंट्री की ना कमरे में, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों में पापा अंदर गए हैं, मेरे रूम में कभी इधर आते ही नहीं है, बाहर वाले रूम में ही रहते हैं। तो हम फटाफट से तैयारी कर रहे थे कि सारी चादर वगैरह चेंज कर दें, अच्छा सा लगेगा वीडियो में, क्योंकि सुबह काम ज़्यादा फैल रहा था तो सारा काम संगवाया। फिर मैंने कहा फटाफट रेडी हो जाती हूँ, सब तैयार हो गए, मैं भी सूट पहन लूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि आज ही हो जाएंगे 1 मिलियन। मेरे को लग रहा था कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया था। पूजा ने फिर फ़ोन करके बताया कि दीदी 300-400 रह गए हैं, पूजा का फ़ोन आया था मेरे पास 8 बजे। रेडी हो गए हैं और मैंने सूट पहन लिया है, अच्छा सा लगेगा वीडियो में। और पापा जी आएंगे अंदर आज रूम में मेरे, कभी नहीं आते कभी भी, मतलब इधर एरिया में कभी आते ही नहीं है, किचन वगैरह में भी। तो पापा जी रेडी हो गए आने के लिए, बच्चे लेके आए थे, बच्चे वीडियो बना रहे थे, तो मैं इतना मखा टाइम लगेगा अभी 10-15 मिनट, तो मैं चाय वगैरह बना लूँ बच्चों के लिए, कॉफ़ी वगैरह रेडी कर दूँ जिसने पीना है जो कुछ। तो मैं चाय बना रही थी, कॉफ़ी बना रही थी, जिसने कॉफ़ी पीनी है उनके लिए। पापा जी देख रहे हैं इधर उधर, अंदर आए ना काफ़ी दिनों में, मतलब मेरे रूम में तो आज देख लो कई सालों में एंट्री की है,
क्योंकि जैसे कई बार कुछ घर में अलमारी वगैरह बनती हैं या बेड वगैरह आए तो देखे होंगे, नहीं तो कभी इधर रूम में आते ही नहीं है। तो पापा जी खड़े हैं और सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। अक्षित मजाक बना रहा है अपने दादा के साथ, मस्ती कर सब वेट कर रहे हैं भाई यहाँ पे, और पापा जी भी आ गए हैं, बैठ गए इधर। मैंने अभी थोड़े दो तीन फोटो खिंचवाए पापा मम्मी के साथ, और सिल्वर प्ले बटन दिखाया जो कि मेरा एक साल हो गया आया हुआ था, मतलब मार्च में आया था, 8-9 महीने हो गए। और सबसे पहले मैंने भगवान का धन्यवाद किया है, जाके भगवान के आगे माथा टेका है। जो कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे भी जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। जैसे बेस में रखेंगे मैं तैयार हूँ रहने के लिए, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपने पता है। तो भी इंजॉय कर रहे सब बच्चे यहाँ पे। सिल्वर प्ले बटन तो मैंने आज इसलिए निकाला क्योंकि मैंने उस दिन ठान लिया था जब हमारे घर में लड़ाई हुई थी कि जब पापा जी खुश होंगे तभी मैं सिल्वर प्ले बटन निकालूंगी। तो भी सबसे बड़ी चीज़ है पापा मम्मी का आशीर्वाद मिला मुझे, क्योंकि आपने पता है मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, और मेरे सास ससुर ही मेरे मम्मी पापा हैं। पहले जैसे भी हमारे घर में जो भी कुछ था, जैसे मम्मी थी जब मेरी, तब भी मेरी बहुत प्यार करते थे मेरे सास ससुर, और जब से मम्मी की डेथ हुई है मेरी तो तब से तो इतनी ज़्यादा करते हैं कि कभी मतलब ये फील ही नहीं होने देते कि मैं मतलब अपने ससुराल में हूँ। कभी भी मतलब ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि ये लगे कि भाई मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, या मेरे मम्मी पापा की मुझे ऐसे सिचुएशन नहीं होती है घर में कि मम्मी पापा की मुझे याद आए कि उनकी ज़रूरत पड़े। हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे हैं, तो सबके लिए कॉफ़ी वगैरह बन गई है। पी ली हमने कोल्ड कॉफ़ी, आपने हॉट पी नहीं की, तो लो भी आप सभी का बहुत बहुत मेरे पे तो इतनी तेज चाटा मार रही है, कितनी तेज, 2 मिनट तो भाई आज का ये व्लॉग आप सभी की तरफ से मेरे लिए है। मैं अपने लिए डेली आपके लिए बनाती थी, आज मेरे लिए है क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और 1 मिलियन हो गए हैं आप सभी की वजह से। इतना प्यार दे रहे हो आप सभी के, जो लोग इतने सालों में नहीं हो पाता जिनसे, और भगवान ने और आप सभी ने मिल के मुझे इतनी खुशी दी है कि मेरे अंदर जीने की एक अलग इच्छा जागी है कि मैं काम करूं, कुछ करके दिखाऊं लाइफ में। और गलत लोग तो बोलते ही हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको मैं क्या कहूंगी, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, पर जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और मेरी पूरी फैमिली को भी, सभी सपोर्ट करते हैं। आज देखो कि जिस जिसको सेलिब्रेशन करना था ना मेरे साथ, किस्मत में जिस जिसके था वही है, हस्बैंड जी नहीं आज घर पे, और मम्मी पापा भी आ गए, बच्चे आ गए, सब ने सेलिब्रेट किया। और देखो पूजा नहीं आई, जो हमेशा मेरे साथ रहती है ना वो आज मेरे सेलिब्रेशन में नहीं है, पर ग्रैंड पार्टी करेंगे, देखेंगे भगवान ने चाहिए तो बढ़िया पार्टी करेंगे जब अपना गोल्ड प्ले बटन आएगा। ये पार्टी आपकी किस्मत में, लव यू ऑल इतना प्यार देने के लिए, बाय बाय एवरीवन।